जी तो नाज़रीन, आज वसीम बदामी ने बड़े सख्त सवाल किए जवेद लतीफ़ से, और जवेद लतीफ़ के पास कोई टिपिकल जो है वो जवाब नहीं था, और जवेद लतीफ़ काफ़ी घबरा भी गए। तो वसीम बदामी ने क्या टफ टाइम दिया इनको, आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। बिलाखिर वो वक्त आ गया कि अब आप लंदन में हैं और मियां साहब की वापसी की तारीख आ चुकी है 21 अक्टूबर, अब से तकरीबन 30-31 दिन बाद। पहले तो बताइए, आप अभी उनसे मिलकर आए हैं तो कहीं से आपको कोई तासुर मिला है कि बंदियाल साहब के आखिरी फैसले के बाद शायद किसी भी वजह से वापसी के फैसले में कोई लतोलाल हो जाए, या आपका कहना है कि नहीं जनाब, 1000% मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 21 तारीख को आ रहे वापस? वसीम, पहली बात तो यह है कि बदकिस्मती है कि हम एक शख्स को कोट कर रहे हैं कि उसके जाने के बाद क्या अब तो कोई रुकावट नहीं रही। काश ऐसी बात करने की नौबत ना आती। काश अदारे जो हैं वो किसी शख्सियत के गिर्द ना घूमते बल्कि अदारे इंडिपेंडेंट काम करते तो आज हमें ये सवाल जवाब करने की जरूरत पेश ना आती। मगर जहां तक आपका सवाल है तो मैं आपको खुदा के फजल व करम से बशर्ते जिंदगी, अल्लाह उनको सेहत वाली दराजी उम्र दे, तो इंशाल्लाह ताला वो 21 को पाकिस्तान आ रहे हैं इंशाल्लाह। आज जो आपकी मुलाकात हुई उसमें कोई डिस्कस हुआ कि ये हालिया अदालती फैसले के बाद पता नहीं वापसी के बाद शायद सीधा जेल ही जाना पड़ जाए, या पता नहीं मीनारे पाकिस्तान जाए, या क्या? यार बात यह है वसीम, और आप जैसे बंदे को जवाब देते हुए मुझे इत्मीनान यह है कि क्योंकि हमेशा आपने बैलेंस बात की है, हमेशा आपने सहाफती असूलों के मुताबिक अपना सवाल जवाब किया है। बात यह है कि बदकिस्मती से जो कुछ भी हुआ 2014 से 2017 तक, और जो अरेंजमेंट हुए किसी को निकालने और किसी को लाने के लिए, क्या वो आईनी तौर पे दुरुस्त थे? क्या वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते थे? और क्या आज जो हम सवाल ये कर रहे हैं कि जेल जाना पड़ जाए, तो ये सवाल इसलिए नहीं बनता कि जिस शख्स को बेगुनाह होते हुए सजा सुना दी गई थी और उसको पता था, पूरी कौम को पता था कि ये बेगुनाह होते हुए सजा देना मकसूद सिर्फ था, इसलिए सजा दी गई। तो जब उस वक्त लंदन से वो अपनी बेटी का हाथ थाम कर जेल जाने के लिए आ गए थे पाकिस्तान, तो आज तो ये सवाल ही बनता। और नहीं मियाँ साहब, दूसरा, किसी को बिल्कुल गलत सजा भी हुई हो तो भी उस सजा के खत्म करने का तरीका तो यही है ना कि बेल हो, वरना और क्या होगा? क्योंकि सजा देने वाले तो चले गए, तो कोई ये थोड़ी होगा कि एक दिन नए जज आके बोलेंगे कि वो सजा गलत थी और कैंसिल हो गई। फिर भी बेल ही लेनी पड़ेगी ना, अदालत ये कहेगी कि हाँ जनाब बहुत ही बोगस मुकदमा था, जमानत हो गई, और जमानत नहीं होगी तो जेल जाना होगा, चाहे बोगस तरीन मुकदमा भी हो। नहीं वसीम, बात यह है कि जब आप गैर कानूनी, गैर आनी, गैर अखलाकी तौर पर किसी बेगुनाह को सजा देते हो तो आपका आईन कानून 7 साल 8 साल बाद भी हरकत में नहीं आता। और आज तमाम अरकान वो लोग जो उस वक्त के मंसूबा साज थे, इतराफे जुर्म करने के बाद भी क्या मुनसब जो हैं वो फिर भी देखते रहे कि गुनाहगार जिस कतार में लगते हैं उसी कतार में बेगुनाह को भी लगा दिया जाए, तो फिर इंसाफ के तकाजे तो पूरे ना हुए। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि मुंसिफ जो है वो खुद अकल एक एक खुद नोटिस ले लें, खुद ही अदालत में बैठ जाए और कहें कि भाई नवाज शरीफ साहब है, ज्यादा भी सारे केस खत्म, ये तो नहीं हो सकता ना, वरना मुमकिन नहीं है ना ये तो। फिर मेरी बात सुन लें, इसी में आपका जवाब है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से सानियात हुए हैं, बहुत से ऐसे हादसात हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया, मगर जो 2017 में हुआ उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि आज उन फैसलों पे मट्टी डालने के लिए आप कह रहे हैं, उन फैसलों पे मुझे छोड़ दें कि मुझे क्यों सजा दी गई, मुझे किस बात की सजा मिली, मुझे कतार में लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, मगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या मुनसिफों को ये चाहिए नहीं कि 2014 से लेकर 2017 तक जो मंसूबा साज थे, जो फैजाबाद धरने में
एक जजमेंट आई थी और जजमेंट देने वाले जो मौजूद शख्स थे उनके खिलाफ किन के कहने पे रेफरेंस आया था? क्या आज चाहिए नहीं ताकि आइंदा कोई इंसाफ करते वक्त झोल ना खाए, इंसाफ करते वक्त उसका कलम जो है तो आप कह रहे नहीं, तो आप कहना चाहिए। अब वो अगर ये नहीं करते, जो कि जाहिर है अभी तो अगले 10-20 दिनों में तो नहीं करने लगे, तो ये तो बताएंगे आपके जहन में क्या है कि नवाज शरीफ जब लंदन लैंड करेंगे तो लंदन से पाकिस्तान लैंड करेंगे तो क्या होगा? नहीं, मेरी यार सुन लेना, फिर आप अगर मुझे हौसले से सुन ले तो मैं गुजारिश कर सकता हूं जो आप कहना चाहते हैं। मैं ये आपके इलम में नहीं, आपके मुशाहदे में बहुत सी जो चीजें हैं उनमें एक चीज का और इजाफा करना चाहता हूं, वो ये कि क्या हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि जुल्फकार अली भुट्टो को उस वक्त के मुनसिफों ने, जो मुनसिब थे, उन्होंने गलत सजा दी, मगर हमें 20 साल बाद एहसास हुआ कि वो गलत सजा थी? क्या इसी तरह होता रहेगा कि मैं हाईजैकर नहीं था, मुझे हाईजैकर बना के आपने सजा दे दी, मैं फिर भी नए जज्बे नए वलवले से आया, 2013 में मैंने अंधेरे दूर किए, मैंने पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी खत्म की, मैंने पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सी पैक दिया और फिर मुझे हटा दिया, ये सिलसिला क्या खत्म नहीं हो सकता? और खत्म होने का एक कौम को यकीन कैसे आएगा जब तक आप उन किरदारों को कटहरे में ला कर सजा नहीं देंगे? और अगर देंगे तो मेरा मुकदमा तो फिर आपने लड़ लिया, और अगर मैं आप सजा नहीं देते तो इसका मतलब है मैं पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो जाऊं, पाकिस्तान को फायदा पहुंच जाए मगर मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, क्या ये इंसाफ है? आपकी हुकूमत अगर आई तो आप सजा दे देंगे? बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, इसके बगैर पाकिस्तानी कौम में एतमाद नहीं आ सकता, इसके बगैर अदारों का इज्जत एहतराम कौम में नहीं आएगा जब तक। देखें आपको नवाज शरीफ सवाल करें क्या तासर मिला, वो देंगे, वो कटहरे में लाएंगे उन किरदारों को? आप 2014-17 के किरदार और 9-10 मई के किरदार, आप उनमें सिविलियन को सजा दे दें, पॉलिटिशियन को सजा दे दें, और उन अदारों में उस वक्त के लोगों को सजा ना दें तो ये जस्टिस नहीं है, ये कौम फिर इस जस्टिस पर शक करेगी, ये जस्टिस नहीं माना जाएगा, लोग कहेंगे अगर ये कसूरवार थे तो फिर तमाम किरदारों को सजा मिलनी चाहिए थी, किसी एक किरदार को फिर पिक एंड चूज हो जाएगा, फिर इससे इंसाफ के, अखलाकी कदरों के, कानून के तकाजे पूरे नहीं। दोस्तों आपने गुफ्तगू सुनी मियां जवेद लतीफ और वसीम बदामी की। जो मियां जवेद लतीफ का मौकफ था वो ये था कि जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने मुल्क के अंधेरे दूर किए, उन्होंने सी पैक बनाया, उन्होंने एटम बम बनाया, मतलब हर चीज़ उनके खाते में डाल दी गई। तो 2013 से 2017 तक उन्होंने वो बिजलियां लेके आए, दहशतगर्दी को ख़त्म किया, और उसके बाद वो 2013 से 2017 का और 9 मई का आपस में जो है वो कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को जिस तरह से निकाला है बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, यानी कि अकामा के ऊपर, असल में ये अकामा नहीं था, ये पानामा था जो 2014-15 में आया था, और उसके बाद इमरान खान ने इस पर एहतजाज किया कि इनकी जो है वो नीलसन और नेस्कॉल कंपनीज निकल आई हैं, तो इसके ऊपर ये जो इनकी इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनके नाम हैं, ये नहीं मान रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर इमरान खान ने केस कर दिया, और केस भी इस किस्म का किया कि जो दिनों में सुना जा रहा था। और उसके बाद जो है वो इनके पास अदालत ने इन्हें कहा कि आप जो है हमें रसीदें ला के दें, तो इन्होंने रसीदें नहीं ला के दी, जिसकी वजह से इनके साथ ये सारा कुछ हुआ और इनको नाहल कर दिया गया, उसके बाद इनको जेल हो गई और फिर ये डील करके यहाँ से भाग गए। तो ये किया था टोटल नवाज शरीफ ने, जिस पर वसीम बदामी ने इनकी काफ़ी क्लास ले ली, और वसीम बदामी ने बड़े सख्त सवाल भी किए, तो जवेद लतीफ़ जो है वो काफ़ी घबरा भी गए थे। तो व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।